हेलो रियन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हरियाणा के एग्जाम्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जितने भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी को चिंता हो रही है, सर हम क्या करें। कुछ साथियों के मेरे पास फोन भी आए हैं, सर एग्जाम तो होना नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, मेरे को नौकरी मिल रही है, मैं नौकरी करूँ या तैयारी करूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो सभी को पता है हरियाणा एसएससी का सिस्टम कैसा है। भाई सिस्टम जब ऐसा हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय वेट के, ना इसके साथ लड़ सकते। जो इसको करना होगा वो ये करेगा। आप सभी को पता है इसको बहाने चाहिए पेपर डिले करने के, और वो ये ले ही रहा है, दिन पे दिन अपना पेपर जो है डिले होता जा रहा है, ठीक है। तो दूसरी बात मैं कहूंगा, जो साथी पूछ रहे हैं सर हम क्या करें, देखो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है वो तैयारी कर सकते हैं। आप देखो इतने दिन आप रुके हैं, आपको लगता है मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो कुछ दिन और रुकने में कोई गलतफहमी नहीं है या हर्जा नहीं है। दूसरी बात, जिनका बेसिक क्लियर हो गया है, जिन्होंने तैयारी कर ली है, पढ़ लिया है, तो वो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो जिनको जॉब मिल रही है जॉब के साथ भी आप तैयारी कर सकते हो। एक बार तैयारी करने के बाद आप आराम से नौकरी के साथ साथ 4 से 5 घंटे निकाल सकते हो कि आप अपना जो सिलेबस आपने पढ़ लिया है वो आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई सभी को पता है एग्जाम होंगे, आज नहीं तो कल जरूर होने वाले हैं, इलेक्शन आएंगे, इनको लेने ही लेने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं कि 4 साल ऐसे टालते रहेंगे, अगले साल इलेक्शन होने हैं, भर्ती जरूर लेंगे। अब नहीं तो ये कभी ना कभी आने वाले 1 महीने में 1.5 महीने में कभी ना कभी जरूर लेंगे। बस बात ये है कि डटा कौन रहेगा, जीतता वही है जो लगातार कोशिश करता रहेगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी छोड़नी नहीं है, आज नहीं तो कल एग्जाम जरूर होंगे। हाँ, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि हाँ उनको ये टेंशन लेने की जरूरत है, पेपर भी नहीं हो रहे हैं, घर वालों की भी सुननी पड़ रही है, ऊपर से पैसे भी नहीं है। भाई आप नौकरी ज्वाइन कर लो, नौकरी के साथ साथ भी आप टाइम निकाल सकते हो और अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, जीतेगा वही जो लगातार अपना प्रयास करता रहेगा। तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। मान लो आपने तैयारी छोड़ भी दी और एकदम से इन्होंने निकाल दिया, कोई भरोसा नहीं कब निकाल दें, तो तैयारी आपने छोड़ दी तो नुकसान होगा आपका। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं लेकिन लगातार पढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्ट में हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब एक आपका नोटिस भी वायरल हो रहा होगा, सभी ने देख ही लिया होगा आपका जॉब्स का, मैं आप लोगों को दिखा दूं, इसमें डिटेल आपकी लिस्ट दी गई है, यहां पर आपने सभी ने देख ही लिया होगा, इसमें पूरी में आपको दिखाया गया कि कौन कौन सी आपकी भर्तियां आने वाली है, इसमें एज दी गई है। तो ये उन लोगों के लिए है कि कौन कौन सी भर्तियां निकालने वाले हैं, क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या है। यदि आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, वो भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, ठीक है, कि बच्चे जो साथी थे बार बार पूछ रहे थे मैसेज करके या फोन करके, तो उनके लिए था ये मोटिव कि यदि आप चाहते हैं नौकरी करना तो जरूर करें, साथ के साथ आपका टाइम भी निकलता रहेगा, तैयारी भी होती रहेगी। तो जरूरी नहीं है कि जो नौकरी कर रहे हैं वो टाइम नहीं निकाल सकते, क्लियर है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, मकसद यही था कहने का, तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, तैयारी को जरूर बरकरार आप लोगों को रखना है। मैं देख रहा हूं कि अब जो साथी हैं जिन्होंने पहले तैयारी करते थे बिल्कुल तैयारी करनी छोड़ रखी है बहुत लोगों ने, ठीक है। जिन्होंने हाँ अपने सेंटर लेवल के पेपर भर रखे हैं वो तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सीईटी के अलावा और कोई पेपर नहीं भर रखा है वो तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो तैयारी आपको नहीं छोड़नी है, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, क्लियर है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में आपकी राय जो है पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है माय एग्जाम के नाम से, आप जो भी आपकी क्वेरी है या कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।